नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से। सरीला के थाना जरिया क्षेत्र के चंडौत गांव में कल सुबह लगभग 7 बजे के लगभग एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे 55 साल के वृद्ध को रौंद दिया, जिससे वृद्ध की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक मेकू अपने पीछे 3 बेटों को छोड़ गए हैं, जो ईंट भट्टे बनाने का काम करते हैं। मेकू जब अपने खेत से काम कर घर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने मेकू को जोरदार टक्कर मार दी थी। मेकू की मौत से घर में मातम पसरा हुआ है। परिजनों ने मृतक के शव को भी सड़क पर रखकर उग्र प्रदर्शन भी किया। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने पर उप जिलाधिकारी जुबेर बेग, क्षेत्राधिकारी मानिक चंद्र मिश्रा और प्रभारी निरीक्षक जरिया रामजीत गौड़ ने मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। वहीं घटना के बाद थाना जरिया के पुलिस ने ट्रक और ड्राइवर दोनों को कब्जे में ले लिया है। इंडिया खबर लाइव के लिए पंकज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सुबह 7:30 बजे जानकारी मिली कि थाना जरिया क्षेत्र के चंदौत में एक वृद्ध की ट्रक से दुर्घटना हुई है। मौके पर SDM साहब के साथ मैंने जाकर देखा, एक मैकू जानकारी मिली, मैकू नाम के थे, 65 वर्षीय, जिनकी ट्रक से दुर्घटना हो गई थी। मौके पर उनकी मृत्यु हो गई थी। परिवार उनका इकट्ठा था, वहाँ पर बातचीत करके विधिक कार्रवाई की गई और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।